भाई लोग थोड़ा देख ले दूसरे वाले का। हेलो 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 हेलो, ये कम कर दो हारने वाला, ये माइक कम कर दो, इसको बढ़ा दो। हेलो 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 बढ़िया, मेन माइक देख ले। हेलो 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 हेलो, ये डोरी देख लीजिए, डोरी डोरी इससे बढ़ाइए। हेलो हेलो हेलो, और बढ़ाइए। हेलो, इसका बेस बंद करके वॉल्यूम बढ़ाइए, बेस बंद कर दीजिए एकदम। हेलो, और बढ़ाइए। हेलो, जब सीटी ना ले। हेलो, बस छोड़ दीजिए। हेलो लिया है कल्पना दुबे जी ने, मतलब हमसे ज्यादा नहीं, हमसे बहुत कम। और क्या, वही बात याद आ गई कि बेवफा कह के बुलाया तो बुरा मान गए, आईना सामने आया तो बुरा मान गए। अरे इनकी हर रात गुजरती है दिवाली की तरह, और मैंने एक दीप जलाया तो बुरा मान गए। लोगों ने आपत्ति भी किया कि आपने समय ज्यादा लिया है, और क्या, वाद विवादन भी कम किया, आराधन में बिल्कुल कुछ समय नहीं लिया। कल्पना जी से हर चीज में हमने बहुत कम समय लिया है, वंदना में भी मैंने कम समय लिया है। कटपीस ने पूरा थान था आपका, कटपीस ना कहिए ना, इतना घबरा रही, आज आप आराम से गाइए, आप इतनी अच्छी कलाकार हैं। और क्या, कई जानकी रमन कौवे से जवाब ना लाए। हाँ, अब कौवा कह के भागा ताए ताए रे, ताए ताए रे। और क्या, तोता कह रहा था, हमने सोचा भाई चलिए कौवा, अच्छा आपने जैन को भी खत्म कर दिया, जवाब है। हाँ। भैया नाम नहीं बता गए हैं, ये 115 का आशीर्वाद हमारे प्रमोद भैया जी की ओर से हैं, इधर से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, पूरा तमाम बातें आपने सुनी है। हाँ, शेर का जवाब भी आपने सुना है। और क्या, कोई हालात नहीं समझता, कोई जज्बात नहीं समझता, ये तो अपनी अपनी समझ है जनाब। कोई कोरा कागज समझ लेता है, और कोई पूरी किताब नहीं समझता। बहुत मेहनत हो रही है आजकल मंडल में। और क्या कहना कि खुदा उस कलम को रोशनाई न दे, खुदा उस कलम को रोशनाई न दे, तो सजा तो लिख दे पर रिहाई न दे। अरे बेहतर है टूट जाए ऐसा आईना, बेहतर है टूट जाए ऐसा आईना जिसमें अच्छा बुरा कुछ दिखाई न दे। और क्या, आदरणीय हमारे चाचा सुदामा प्रजापति जी आयोजक हैं, अभिवादन की श्रृंखला में ये हमसे भूल हुई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, कार्यक्रम में आए आपका स्वागत कर रहा हूं। आदरणीय हमारे दादा श्री शिवम आजाद जी का मैं हृदय से अभिवादन कर रहा हूं, नमन कर रहा हूं।
और भी तमाम कलाकार हैं जिनका नाम मुझे नहीं मालूम है। बिल्कुल आदरणीय हमारे सरगम दादा अगर कहीं बैठे हो तो मैं उन्हें प्रणाम कर रहा हूँ। हाँ। कहीं पीछे हो तो आगे आ जाइए। बिल्कुल चलिए चलिए नहीं बैठे रहिए। बिल्कुल सुना जवाब आप लोगों ने। बिल्कुल पूरा मंडल के दोनों गढ़ों ने किया आपको ऐसा बने वो कबूतर सांप है पशुपति का। हाँ। बस मोबाइल उम्मीद ऐसी नहीं थी हमें। और क्या मोबाइल से मेहनत हो रही आजकल करो। हमने सोचा कि ऐसी कलाकार से और क्या मेरा कार्यक्रम है कुछ ना कुछ तो जवाब में जरूर आएगा। बिल्कुल गीत में भाव चल रहा था उधर सैरंद्री सैरंदी और सत्यदेव मोर मोरनी हो गए, शिव और सती मोर मोरनी हो गए और श्याम और श्यामा राधा का एक नाम श्यामा है, श्याम और श्यामा मोर मोरनी हो गए। हाँ। राशि भी चल रही थी सैरंदी सत्यदेव कुंभ राशि, शिव सती कुंभ राशि, श्याम और श्यामा कुंभ राशि, तन का परिवर्तन हो रहा। बिल्कुल पूरा मंडल मेहनत बहुत कर रहा आजकल। हाँ। बस अब कबूतर उड़ाने लगी। चलिए कबूतर कलाकार कुछ ना कुछ प्रयास करता है अपनी ओर से और क्या बढ़िया है, कम समय ज्यादा काम। एक कबूतर आपने और बताया। हाँ। बताया अग्निदेव कबूतर बन गए। हमारे भैया रणजीत राज भी बैठे हैं, दादा श्योम आजाद भी बैठे हैं। बताइएगा कि अग्निदेव कबूतर बने या इंद्रदेव कबूतर बने थे। समझते चले इंद्र कबूतर बने थे अग्निदेव बाज बने थे ये बात और आपने उसको उल्टा बताया। सब मामला मोबाइल से चल रहा है आजकल। चलिए ज्यादा समय नहीं लेंगे, बिल्कुल का प्रतिबंध है। सुनेगा गीत बजा कौन सा हर गोरी तोरी चुनरी मा लाल लाल रे हर गोरी तोरी चुनरी मा लाल लाल रे हर रोड पे चले वो कमाल चाल रे आप नहीं है अरे कह के भागा तोता वो टाए टाए रे और अंदर गया वो और अंदर गया कह के वो टाए टाए रे। दादा ने कहा जानकी रमन जवाब न देना आए भैंस आए। सुनिएगा सुनिए एक बात आपने कौवा काट दिया कौवा से जब आप जानकी रमन न दे एक कौवा बचता है और क्या आपने जयंत को ले लिया मगर भगवान श्री राम छोटे हैं आंगन में खेल रहे हैं ता भुसुन जी उनकी बालीला को देखने के लिए अतरिया पे बैठे हैं। सुनो जवाब आता कहाँ से है कौवा से देखा कौवा तो बैठा अटरिया भैया जी देखा देखा कौवा का बहता देखा कौवा का बहता अटरिया तभी राम की पड़ी है नजरिया जब देखा रघुपर ने शरण से ये आपकी पंक्ति पर अपने आशीर्वाद दिया है हमारे चाचा श्री महेंद्र निषाद जी ने हृदय से नमन कर रहा हूं। अरे जब देखा रघुपर ने
दाए बाए रे तो कहना दाए बाए देखा कोई नहीं, सुनसान है उसमें आंगन में कोई नहीं, तब अरे कर चला सीधे ना दाए बाए रे। राम ने कौवे को पकड़ना चाहा काकभूषण को, लेकिन कौवा भागा तो राम का हाथ पीछे लग गया, लेकिन हाथ सीधे जा रहा ना दाएं बाएं नहीं, ये बात। और मात्र दो अंगुल की दूरी पे हाथ लगा है, हाथ पीछे लगा है श्री राम का। काकभूषण के पीछे मुड़ के देखते हैं तो मात्र दो अंगुल की दूरी बचती है। आखिर दो अंगुल की दूरी क्यों बचती है? क्योंकि ईश्वर और जीव के बीच मात्र दो का फर्क है, ईश्वर जीव। लेगा तो कर चला सीधे ना दाएं बाएं रे, कौवा कह के अरे कौवा कह के भागा वो खाए का। सारे ब्रह्मांड में काकभूषण जी घूमते रहे, अंत में लौट कर फिर वही अयोध्या को आ गए। राम ने जम्हाई ली, बिल्कुल उसी प्रकार जो व्यास जी की पत्नी ने जम्हाई ली, तोता मुंह में चला गया। ये बात उस पर राम को जम्हाई आई और राम के मुख में काकभूषण जी अंदर चले गए। और क्या, मतलब राम ने जब मुंह आया तो राम के यहाँ का जो कौवा है वो खुल गया और कौवा कौवे को पार करता अंदर पेट में चला गया। तो कहना अरे पिया राम ने मुंह, अरे पिया राम ने जब मुंह बार रे तो गया मुंह में वो समाया। सम्मान भैया राम हर्ष निषाद जी की ओर से ये ज्ञान पत्र विदाई हृदय से नमन है, धन्यवाद है। ये हमारी ओर से आपके खंडित का प्रयास रहा है। ये था कौवे का जवाब। सुनिए सुनिए बढ़िया गीत आया है हम लोग।